दोस्तों, इन दिनों में आपने इस बच्चे का वीडियो जरूर देखा होगा कि उस वीडियो में क्या है। इसके बारे में आपको ज्यादा बताने की हमें जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में हम वचन से बात करेंगे। आइए पहले हम वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम फिर से आपसे बात करेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 113 का 7 वचन। वह कंगाल को मिट्टी पर से और गरीब को घुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 41 का 1 वचन। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की शुद्धि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। तीसरा वचन हम पढ़ेंगे यशाया 25 अध्याय का 4 वचन। क्योंकि तू संकट में दिनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बिशोर के समान होता था, तब तू कंगालों के लिए उनकी शरण, तपन में छाया का स्थान हुआ। चौथा वचन और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 69 का 33। क्योंकि यहोवा गरीबों की ओर कान लगाता है और अपने लोगों को जो बंदी है तुच्छ नहीं जानता। पांचवा वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 107 का 48 वचन। वह कंगालों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनको भेड़ों के झुंड के समान परिवार देता है। एक वचन हम और पढ़ेंगे भजन संहिता 140 का 12 वचन। हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और कंगालों का न्याय चुकाएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इन वचनों से आपने कुछ सीखा होगा। एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे नीति वचन 3 अध्याय का 27 वचन। जो भलाई के योग्य है उनका भला अवश्य करना, यदि ऐसा करना तेरी शक्ति में है। पंजाबी वचन लिखा हुआ है, जेकर तेरे वस विच है तो तू भला जरूर करना। तो दोस्तों, इस वचन में जो हमने सभी वचन पढ़े हैं कि कैसे यहोवा गरीब को ऊंचा करता है, कैसे उसके दुख में सार लेता है, तो लास्ट में हमने जो वचन पढ़ा कि यदि तेरे वश में भी है कि यदि तू किसी की मदद कर सकता है। तो दोस्तों, आपके भी आसपास न जाने कितने और बच्चे ऐसे होंगे, कितने कंगाल गरीब दरिद्र लोग होंगे, उनकी भी आप ऐसे ही मदद करें। आप वचनों के द्वारा उनकी मदद कर सकते हैं, खुशखबरी का प्रचार सुनाकर उनकी मदद कर सकते हैं, और पैसे के द्वारा, अन्य प्रकार की वस्तु के द्वारा आप उनकी मदद कर सकते हैं, जिससे यहोवा तुम्हें बहुत आशीष देगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो आपने इस बच्चे को देखा, उसकी पुकार को यहोवा ने सुना है और उसको छुड़ाया है उसके दुख से, उसकी गरीबी से। आप भी इन लोगों के लिए प्रार्थना के जरिए, पैसे के जरिए, इन सभी संसार भर के सभी लोगों के लिए प्रार्थना जरूर करें, और हो सकता है तो आपके वश में है, यदि आप में क्षमता है तो सबकी मदद जरूर करें। वीडियो से परमेश्वर के वचन से बहुत आशीष पाई होगी। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।